अभी एक जगह घर देखने जाना है और इसके अलावा मैंने हॉस्पिटल जाना है, मेरा रूटीन चेकअप है, उसके बाद एक अच्छा सा डिनर करेंगे। ये दो रूम है, अभी सामान बिखरा हुआ है क्योंकि इधर जो है कोई रह रहा है। मैंने अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट जो है घर लिया हुआ है वो साथ में रह रहा है, उसका एक कमरा है और उसका जो बिजली है वो कह रहा है 25% मैं दूंगा, 75% मैं दूंगा। ये बात जो है ना, ये गड़बड़ है बाबा। हम जी अपने लिए डिनर के लिए कुछ ले लेते हैं उससे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अल्पेक से कैमरामैन जल्दी फोकस करो। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो रैंडम होने जा रही क्योंकि ये वीडियो बन रही है वीक डेज में। आपको मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है जिसमें जो बारिश का पानी है वो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से सारे जो मेन ब्रेकर्स हैं और जो सब ब्रेकर्स हैं वो सारे शॉर्ट हो गए पानी की वजह से। तो लिहाजा मैंने अपने मालिक मकान को कंप्लेन तो की है कि भाई ऊपर कुछ रिपेयरिंग करवा दो ताकि वो लीकेज से बचा जाए और कोई बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो खैर उनको बोला तो है पर मेरा रेंट ड्यू है और इसके अलावा उनको मैंने बोला भी है कि भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तो उसके हवाले से जो है मैं घर ढूंढ भी रहा हूँ, जो मुनासिब घर मिलेगा तो वहाँ मैं शिफ्ट भी करूँगा। तो अभी एक जगह घर देखने जाना है, गरीब मेरे जिस एरिया में रहता हूँ उसी एरिया में है, तो मैं अभी चलता हूँ वहाँ देखते हैं। और इसके अलावा मैंने हॉस्पिटल जाना है, मेरा रूटीन चेकअप है, तो वो रूटीन चेकअप करवाना है, उसके बाद एक अच्छा सा डिनर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं साथ। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो जी मैं आ गया हूँ उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ मैंने घर देखने आया हूँ। तो बिल्डिंग है फिफ्थ फ्लोर पे, तो इस टाइम हम अभी मौजूद हैं बिल्डिंग के लिफ्ट में और फिफ्थ फ्लोर पे जा रहे हैं। ये जी हम आ गए घर में, ये मेन एंट्रेंस जैसे ही होते हैं तो हॉल है, और हॉल तो है पर एक मसला है कि इसके विंडो ऐसे ही हमारे पास आए स्प्लिट, और इसके बाद जो है ये दो रूम है, अभी सामान बिखरा हुआ है क्योंकि इधर जो है कोई रह रहा है, ऑलरेडी वो शिफ्ट हो चुका है इसकी वजह से घर खाली हो रहा है। और ये दूसरा रूम है जो कि सैटरडे को सारा सामान खाली होगा। ये एक सिंगल वॉशरूम है और ये इसका किचन है। ये बिल्डिंग का बाहर का नज़ारा है और ये कोने वाला घर है जो रेंट के लिए है। घर तो बहुत अच्छा है, खैर सामान जो बिखरा हुआ वो तो सारा निकल जाएगा, पर मसला है कि शेयरिंग में, क्योंकि जो ऑलरेडी जो जिसने अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट जो है घर लिया हुआ है वो साथ में रह रहा है, उसका एक कमरा है और उसका जो बिजली है वो कह रहा है कि 25% मैं दूंगा, 75% मैं दूंगा। ये बात जो है ना, ये गड़बड़ है बाबा, ये बात जो है ये लफड़े वाली है। तो खैर अब चलते हैं और देखते हैं, पहले तो मेडिकल करवाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, ताकि क्योंकि मेडिकल के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और खाने में भी टाइम लगेगा और घर भी जाना है, और घर में बेगम अकेली है और मैंने अपने एक काम निपटाना है। बाहर ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। हम आए जी गल्फ एशिया हॉस्पिटल अपने मेडिकल के लिए। मेडिकल हो गया जी अपना और अब वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। 2000 years later. चलें जी दोस्तों, मेडिकल टेस्ट हमारा हो गया है और हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई है, तो अब हम चलते हैं यहाँ से, हॉस्पिटल से फ्री हो गए तो खाना वाना खाते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो खाना खाने के लिए अकेला हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही होती है कि बंदा सोचता है कि क्या खाया जाए क्योंकि कल दोबारा फिर बाहर का खाना है। तो देखते हैं कुछ हल्का पुल्का सा ट्राई करते हैं और फिर दोबारा कल बाहर का खाना होगा क्योंकि कल वीकेंड होगा। तो स्टे ट्यून्ड। हम जी अपने लिए डिनर के लिए कुछ ले लेते हैं उससे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अल्पेक से आज कुछ रश जो है कम दिख रहा है उसमें। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हमारा जी चल रहा है 801 और ये ऑर्डर प्रिपेयरिंग चल रहा है। हमने जी ले लिया अल्बेग अपने लिए और खाएंगे हम घर जाके। बेगम ने तो कहा था खाना खा के आना,
पर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता यार मैं बाहर खाऊं, और वो ऑलरेडी खा चुकी थी खाना, तो खैर घर जा के साथ मिलके खाएंगे। अलबेग जी ले लिया था, उसके बाद जब मैं अकेला घर से बाहर निकलता हूँ तो वाइफ़ की जो है डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं, ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। वरना मैं कहता हूँ कि भाई वीकेंड के दिन खुद साथ चल लिया करो, जो दिल करे वो ले लिया करो, पर नहीं, वो उनको मौका मिल जाता है कि भाई ये अकेला निकला हुआ, जो भी सामान मंगवा लो एक ही दफ़ा मंगवा लो, ताकि जो है मैं सामान उठाने से बच जाऊँ। सही पकड़े हैं, ज़ाहिर बात है ज़्यादा सामान होगा तो सेकंड फ्लोर पे उन्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा सामान लेके जाने के लिए। खैर अब वो सामान ले लिया, और मैंने गोश्त भी ले लिया था, अब हम जा रहे हैं घर, डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये जी हमारा डिनर है आज का, अलबेग। अलबेग में हमने उसका सिग्नेचर फूड जो है वो है फिश फिले स्पाइसी, वो हमने लिया है, उसके साथ इसकी जो दो सॉसेजेस आई हैं। तो हम अपना डिनर इन्जॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे। दोस्तों मेडिकल चेकअप जो मैंने आपको बताया, जिस रूटीन मेडिकल चेकअप की वजह से था, वो बेसिकली रूटीन नहीं बल्कि एनुअल मेडिकल चेकअप था। मैं रहता हूँ जुबैल में, जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी है, और इंडस्ट्रियल में जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, आईडी अगर आपकी रिन्यू होनी है तो उसके लिए आपको एनुअल मेडिकल सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप फिट टू वर्क होंगे तो ही आपका जो है आईडी रिन्यू होगा, अगर नहीं है तो फिर आपको खैर बात कर दिया जाएगा। तो लिहाजा मेडिकल चेकअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा बिल्कुल सेट हुआ। बस एक चीज़ है कि वेट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, तो मुझे ऑलरेडी जो है जिम की मेंबरशिप है, मैंने जिम ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वेट थोड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा। तो अपनी बैक टू रूटीन में आना पड़ेगा। आज का स्केड्यूल थोड़ा टाइट होने की वजह से जिम भी नहीं जा पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।